चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में एक नई मांग उठी है और ये मांग है प्रदेश को भील प्रदेश घोषित करने की मांग। ये मांग उठने के साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या प्रदेश की सियासत में भील राजनीति की मांग एक नए खतरे की आहट है या फिर नहीं। एक रिपोर्ट देखिए आप। विधानसभा में गूंजा जय भील प्रदेश का नारा। नवनिर्वाचित विधायक ने लगाया नारा। जय आदिवासी जय प्रकृति का लगाया नारा। जी हाँ, अब राजस्थान को भील प्रदेश घोषित करने की मांग उठने लगी है और ये मांग विधानसभा में उठाया गया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान विधायक राजकुमार रोत ने शपथ ग्रहण के बाद जय आदिवासी और जय भील प्रदेश का नारा लगाकर पूरे सदन को चौंका दिया है। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है भील बहुल आबादी। इस क्षेत्र में प्रकृति पूजा की विशेष मान्यता। आदिवासी देते हैं अपने नियमों को तरजीह। सदन के सबसे युवा विधायकों में शुमार राजकुमार रोत 84 विधानसभा से जीत कराए हैं। पूर्व मंत्री सुशील कटारा को हराकर सदन में आने वाले रोत अपनी शपथ के बारे में कहते हैं कि उनके क्षेत्र में प्रकृति को पूजा जाता है और उस प्रकृति को बाहर से आए लोग खराब कर रहे हैं और वो प्रकृति के लिए काम करने के साथ ही आदिवासियों को मजबूत करेंगे। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में है सक्रियता। डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ में सक्रियता। उदयपुर और राजसमंद के कुछ हिस्सों में भी है भील आबादी। गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा भी शामिल। भील प्रदेश का नारा लगाने वाले एक और विधायक राम प्रसाद कहते हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के साथ ही गुजरात के दामोह और उससे लगे जिलों के साथ ही मध्य प्रदेश के झाबुआ और उसके आसपास का क्षेत्र भील प्रदेश की श्रेणी में आता है और इन इलाकों में विकास नहीं हो पाया है। ऐसा है कि आज तक 70 साल तक जो जिसका विकास विकास करके करोड़ों रुपया खर्च किया लेकिन वास्तव हुआ ही नहीं विकास। इसलिए हम उसको चाहते हैं वो प्रकृति पूजक है, सच्चा आदमी है, उसको आगे लाया जाए। प्रदेश में हर साल 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ डूंगरपुर भांसवाड़ा में कार्यक्रमों का आयोजन होता है और करीब 1.5 साल पहले आदिवासी महासभा ने 22 मुद्दों का अपना अलग अलग मांग पत्र भी तैयार किया था। आदिवासी महासभा ने अपने साथ 15 राज्यों के अलग अलग संगठनों को अपने साथ जोड़े थे। हालांकि भील प्रदेश की आहट को पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ज्यादा दमदार नहीं मानते। कटारिया कहते हैं कि भील प्रदेश की चर्चा तो होती है लेकिन ये बहुत छितराया हुआ हिस्सा है लिहाजा इसमें ज्यादा गंभीरता नहीं दिखती। तो टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया का मानना है कि सरकार आदिवासियों के लिए अलग अलग योजनाएं ला रही है। आहार तो नहीं है, कुछ लोगों ने जिस घोड़े पर बैठ करके अपनी सवारी निकाली है उनके मन में तो ये बात होगी लेकिन जनता कितना स्वीकार करेगी तो आने वाला समय बताएगा। भील प्रदेश की मांग की सुगबुगाहट, आने वाले वक्त में इसका कितना असर दिखता है ये तो भविष्य की बात है, मगर अभी तो दोनों विधायकों ने एक चर्चा जरूर छेड़ दी है। जल जंगल और जमीन पर अपने अधिकारों की मांग करने वाले आदिवासियों का प्रतिनिधित्व हमेशा लोकसभा और विधानसभा में हुआ है लेकिन इस बार इन आदिवासियों की एक नई नुमाइंदगी राजस्थान विधानसभा में पहुंची है जो प्रकृति के नाम पर शपथ लेती है, जय आदिवासी और जय भील प्रदेश जैसे नारे लगाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजस्थान में एक बार फिर से नए भील प्रदेश की मांग जोर पकड़ने लगी है। अगर ऐसी सुगबुगाहट है तो फिर सवाल उठता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन जवाबदेह। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।